जय श्री मन्नारायण गुरु जी। गुरु जी मेरा एक सवाल है। बोलो। गुरु जी हम लड्डू गोपाल को 56 भोगी क्यों चढ़ाते हैं, 57 या 58 ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को मैया रोज 8 बार भोजन कराती थी। कितनी बार? 8 बार। जब गिरिराज जी उठाए भगवान 7 दिन तक, तो 7 दिन तक भगवान ने भोजन नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो जब गिरिराज जी रख दिया तो मैया ने पूरा 8 के हिसाब से 7 दिन का जोड़ लो, कितना हुआ 8 × 7 = 56 परोस दिया। ये बेटा अब इकट्ठा खा, 7 दिन तक तूने नहीं खाया। पहला। दूसरा कारण ये है, 56 कितना होता है, 5 और 6 है ना जी, 56 ऐसा होता। तो 5 और 6 को टोटल करने से कितना होगा? 11। 11 हुआ ना जी। 5 इंद्रियां हमारी जी, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। इन 5ों इंद्रियों को, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10ों इंद्रियों को और 1 मन को, 11 चीज़ों को आप भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। ठाकुर जी इन्हें स्वीकार कर लेंगे, यही 56 भोग हैं। भगवान हमें स्वीकार कर लें जी। गुरु जी एक और सवाल है मेरा जी। अगर हम लड्डू गोपाल को अपने घर ले जाते हैं तो मिनिमम हम लोग के घर में दाल चावल सब्जी रोटी यही बनता है, तो सब्जी में लहसुन प्याज का यूज होता है, अधिकतर दाल में भी होता है, तो हम लड्डू गोपाल को भोग कैसे लगाएंगे? आप थोड़ा सा बिना लहसुन प्याज का बनाओ तो दाल रोटी चलेगा भगवान को से चढ़ा सकते हैं भाई। खाना तो ऐसा हो जो भगवान को खवाएं वही हम खाएं, वही वही हम लोग भी तो खाएंगे ना। तो भगवान जी को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता, या फिर उनको कुछ और से अलग से बना के जैसे दूध का भोग लगा दो साथ में, जो आप बिना लहसुन प्याज का बना सको वो भोग लगाओ, है ना जी। जय श्री मन्नारायण गुरु जी। जय श्री मन्नारायण। बिना लहसुन प्याज का भोजन अच्छा नहीं बनता क्या? बनता है। यहाँ देखो गौरी गोपाल जी की रसोई में बिना लहसुन प्याज का ही बनता है। खुश। राधे राधे गुरु जी। जी भैया। गुरु जी आपकी कथा सुनते रहते हैं हम, तो आपको ही वो करते हैं। मैं ना पापा मम्मी का मतलब साथ देना चाहता हूँ, तो मैं 1-2 साल से बिजनेस कर रहा हूँ, तो कोई भी बिजनेस कर रहा हूँ ना तो उसमें आगे मतलब बढ़ नहीं पा रहा। कोई भी बिजनेस मतलब कितने बिजनेस कर रहे हैं? मतलब पहले जैसे कंबल का करता था, फिर मैंने दूसरा चादरों का काम शुरू किया, तो उसमें भी इतनी तरक्की नहीं हो पा रही। तो आप एक छोड़ के एक पकड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा? एक को पकड़े रहिए ना, एक काम को, एक काम में 100% लगाइए, एक काम को पूर्ण समर्पण भाव से कीजिए, एक को सफल बनाइए, फिर सेकेंड, फिर दूसरा। धन्यवाद। यदि चादर का कर रहे हैं तो अब उससे चादर में ही फिर हानि लाभ, तो शुरुआती दौर में जब बच्चा छोटा सा खड़ा होकर चलने की कोशिश करता है तो वो लड़खड़ा के गिरता ही है। आप कोई भी बिजनेस कर लो, शुरुआती दौर में लड़खड़ाना स्वाभाविक होता है, पर लड़खड़ाने का मतलब ये नहीं कि अब गिर गए हैं अब खड़े नहीं। बच्चा 10 बार गिरता है, खड़ा होकर चलता है, आप ही वो बच्चे हैं। जब बचपन छोटे थे आप तो आपको चलना नहीं आता था, आता था, माँ आपको पकड़ के चलाती थी। हाँ फिर क्या हुआ, आप गिरे फिर खड़े भए फिर गिरे, आज देखो आप दौड़ रहे हैं। हाँ यही बिजनेस है। पहले शुरुआती दौर में जब आपको अनुभव नहीं होता काम का तब लड़खड़ाना होता है, पर आप अपना लड़खड़ाने का अर्थ ये होता है कि आप अपना ज्ञान बढ़ाएं, जहाँ कमी है उसे दूर करें, पूरी करें और उस रास्ते पर बिल्कुल बढ़ते चले जाएं, है ना। और काम बदले हाँ मत, नहीं बदलना काम, एक को पहले सफल कर लो फिर दूसरा। धन्यवाद गुरु जी। खुश रहिए।